चलो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न है, हमें एक वर्ग बनाना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है ना। वर्ग जानते होंगे क्या होता है, अच्छी बात कौन बताएगा वर्ग क्या होता है। चलो बताओ चांदी, वर्ग क्या होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी पूर्ण है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये नहीं बोलेंगे एक ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं बराबर। हाँ, उसे हम कहते हैं वर्ग, और सभी कोण 90 अंश। यानी कि अगर इसको रूप में ऐसे बनाए तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है ये सभी भुजाएं बराबर हो जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो यही हमें रचना करना है इस बार। इसमें जो वर्ग की भुजा बराबर है वो दी कितनी गई है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले सब लोग एक रेखाखंड खींचेंगे और इसकी लंबाई कितनी होगी, कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड एक खींचो, ए बी नाम दे दो इसको। ठीक है, बना इतना। अब क्योंकि ये वर्ग है और इसके सभी कोण 90 अंश के बराबर होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, ए या बी पर कोण कितने का बनाना है, 90। चाहे ए पे बना लो चाहे बी पे, फिर से हम लोग ए पे ही बनाएंगे है ना। तो करना क्या है, ए पर प्रकार रखना है, कुछ दूरी भरना है और एक अर्धवृत्त बना लेना है इस प्रकार। ठीक है, प्रकार को ए पर रखो, पेंसिल से ऐसे घुमा के एक अर्धवृत्त बनाओ, उसके बाद अभी दूरी वही रखना है। और अब क्या करना है, प्रकार को इस बिंदु पे रखो जहाँ कट किया है इस वाले पे, और जितना दूरी था उसी से जो चाप लग रहा है ऐसे लगा दो। ये जो कोण बनता है ये कितने अंश का है, 60 अंश। और अगर हम 60 अंश पे फिर से प्रकार को रख के आगे चाप लगाए तो ये 120। और देखो यहीं से चाहो तो 120 का बनाओ और साथ में यहाँ ऊपर भी चाप लगा दो, यहाँ 90 वाला 120 हो गया। हवा लगा है, हवा हवा से डर जाता है। सजी जो गिरा इसको काटना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमें जो 90 अंश का कोण बनाना है तो उसके लिए यहाँ से 120 और ऊपर चाप लगाएंगे और इसके बाद यही दूरी भर के इस चाप को काट देंगे। ये जो कोण बनेगा ये कितने अंश का, 90 अंश का बन गया। सीधा बना है, मान लेते हैं सीधा ही। अब देखो क्योंकि वर्ग बना रहे हैं उसमें से एक भुजा हमें पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो बाकी सब भुजाएं कितने की होंगी, 5। तो वही दूरी भरो प्रकार में, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरो सब लोग। 5 ये लोग नहीं बना रहे हैं, देखो बैठे हैं बना रहे हैं, चलो बढ़िया। देखो 5 सेंटीमीटर की दूरी भरना है ना। उसके बाद एक मीटर आपको प्रकार को ए पर और जहां तक ये पहुंच रहा हो वहां पे चाप लगा दो ऐसे। ठीक है, और अब दूरी वही रखना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी एक चाप लगा दो ऊपर कहीं यहाँ पे। और अब क्या करना है, हाँ सेम दूरी, ये जो पहले चाप कटा है अब इस पे रखो, यहाँ से वही दूरी लेकर इस चाप को काट दो और अब इन सभी को मिला दो। यहाँ से इसको मिलाना है और यहाँ से, ठीक है, और ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर। इसका नाम भी पूरा कर दो, ए बी सी और ये बी। ठीक है, अब बाकी अगर हम पूछे ये वाला कोण कितना होगा तब उसको नाप के देख भी सकते हैं ना। यस सर, अपना नाप दोनों बनाए।